हेलो चिल्ड्रन वेलकम टू योर ई लर्निंग क्लासेस श्री वर्धमान आदर्श विद्या मंदिर स्कूल बालोत्रा टुडे वी विल डिस्कस योर क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड योर रनिंग चैप्टर नंबर सेवन जो रनिंग चैप्टर चल रहा है नंबर सेवन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ओके नाउ डिस्कस ऑन आवर प्रीवियस क्लास जो भी प्रीवियस क्लास में पढ़ा उस पर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा फर्स्ट क्लास में अपन ने ये पढ़ा कि इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या होता है इक्विवेलेंट इस इक्विवेलेंट का मीनिंग उस वर्ड में ही मीनिंग की जो प्रॉब्लम्स है वो इस मीनिंग में ही दे रखी है इक्विवेलेंट का जो फर्स्ट फोर अल्फाबेट्स है वो क्या इक्वल शो so करता है इक्वल मीन्स इक्वल इक्वल का साइन क्या शो so करता है बराबर का साइन ही है या सेम टू सेम का साइन है तो इक्वल अपने डिजिट क्या शो करती है बराबर की या सेम टू सेम तो इक्विविलेंट फिलिंग फ्रैक्शन तो इक्विविलेंट मीनिंग क्या हो गया ऐसी फ्रैक्शन जो इक्वल हो बराबर हो एक जैसी हो जिसकी वैल्यू भी इक्वल हो ओके इक्विलेंट मीनस वे फ्रिक्शन जो दिखती तो डिफरेंट है को अलग अलग सी दिखेगी कि इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू तो अलग अलग है बट जब अपन सॉल्व करेंगे उसको कंप्रोमाइज करेंगे उसको मिनिमाइज करेंगे उसको सॉल्व करेंगे तब अपन फाइंड करेंगे कि ये तो वैल्यू वही सेम टू सेम आ रही है दोनों की तो वो दोनों इक्वलेंट फ्रैक्शन है तो अपन वही आज डिस्कस करेंगे पूरी ओके okay? तो टूडेज टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ इक्वलेंट फ्रैक्शन इक्वलेंट फ्रैक्शन का जो कंसेप्ट है अपन कौन कौन सी फ्रैक्शन को इक्वल कहेंगे और क्यों कहेंगे वो अपन आज डिस्कस करेंगे ओके यू हैव थ्री लाइन यू कैन सी ऑन द बोर्ड फर्स्ट लाइन इज डिवाइड वन चपातीज इक्वली बिटवीन थ्री चिल्ड्रं अपने पास एक चपाती है गोल गोल लाइक like दिस इस चपाती को डिवाइड वन चपाती इक्वली बिटवीन थ्री चिल्ड्रन थ्री चिल्ड्रंस में डिवाइड करना है अपन घर पे देखते हैं जी एक चपाती बनाती है। अपने है। है? है। जितना का जितना है, ये भी तेरा और ये तेरा तो तीनों को इक्वली पार्ट डिवाइड करने के लिए अपन को पूरी चपाती में क्या करना पड़ेगा इक्वली डिवाइडेशन ये फर्स्ट पार्ट हो गया ये सेकेंड पार्ट हो गया और ये थर्ड पार्ट हो गया तो इक्वली डिवाइड करने के लिए क्या किया है? मैंने वन यानी वन चपाती को थ्री में डिवाइड कर दिया वन चपाती के टुकड़े कितने कर दिए मैंने वन टू थ्री इट मीन मेरी फ्रैक्शन क्या फाइंड होगी दिख रही है चपाती को मैंने किस में डिवाइड किया थ्री में तो मेरी फ्रैक्शन क्या फाइंड होगी वन बाय थ्री ओके नाउ द सेकेंड लाइन इज डिवाइड टू चपाती इक्वली बिटवीन सिक्स चिल्ड्रन लाइन क्या है डिवाइड टू चपातीस एक चिल्ड्रेकेंड बैठा है दिया वन बाय थ्री पार्ट इसको दिया वन बाय थ्री पार्ट इसको दिया वन बाय थ्री पार्ट भी इसको दिया तो कहा किस में डिवाइड हो गया बाय थ्री वन बाय थ्री तीनों में डिवाइड हो गया सेकेंड लाइन क्या थी अपने डिवाइड

थ्री बाय नाइन अब आपको तीनों फ्रैक्शन अलग अलग डिफरेंट दिख रही है देखने में तो डिफरेंट ही है ये है इसका न्यूमिनेटर वन है इसका डिनोमिनेटर थ्री है इसका न्यूमिनेटर टू है इसका डिनोमिनेटर सिक्स है इसका न्यूमिनेटर थ्री है इसका डिनोमिनेटर नाइन है तो यू कैन सी दैट यू कैन से दैट एंड यू कैन सी इजीली दैट ऑल थ्री फ्रैक्शंस हैव डिफरेंट वैल्यू देखने में तो अपन को डिफरेंट दिख रही है तीनों ओके नाउ आई सी दैट दिस फ्रिक्शन पार्ट इस में तो कोई फैक्टर पार्ट नहीं है बिकॉज वन एंड थ्री में कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है कोई कॉमन नंबर दिख रहा है नो बट टू एंड सिक्स में कॉमन नंबर अपन को दिख रहा है टू में टू तो है ही सिक्स में भी टू है Six में टू दिख रहा है अपन इसको सिक्स को फैक्टराइज करेंगे डिवाइड करेंगे फैक्टर करेंगे फैक्टर तो अपन ने पढ़ ही लिया पिछली क्लास में तो इस सिक्स को फैक्टर करेंगे तो अपना टू इधर भी है ऊपर वाले पार्ट में इधर भी है लाइक यू कैन डू दैट टू इज हेयर और सिक्स को फैक्टराइज कैसे कर सकता हूं मैं टू मल्टीप्लाई बाय थ्री सिक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं टू थ्रीजा टू थ्रीजा नाउ सिक्स में भी टू है फैक्टर में और अपर पार्ट में भी टू है तो टू से टू डिवाइड हो गया अपर एंड लोअर पार्ट में दोनों इक्वल वैल्यू है तो कट हो जाएगी तो यहां कट होने पर वन रिमेनिंग रह जाएगा बिकॉज टू तो कट हो गया देन रिमेनिंग कौन है वन है यहां टू कट हो गया देन रिमेनिंग कौन है थ्री है ओके okay? तो इसकी जो लोएस्ट टर्म है टू बाई सिक्स की जो लोएस्ट टर्म है इसका जो फैक्टर रिमूव करने के बाद जो टर्म मिली अपन को वो क्या है वन बाय थ्री ओके इसके बाद ये रिमूव नहीं हो सकती आगे ओके नाउ थर्ड क्या है अपने पास थ्री बाय नाइन है इसको भी शॉर्टेस्ट लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करते हैं हाउ थ्री ओके बट नाइन हैव ऑल्सो थ्री डिजिट नाइन का फैक्टर करेंगे तब अपन को नाइन में भी थ्री फाइंड होगा तो आप इसको कैसे लिख सकते हो थ्री तो अपर वाला पार्ट है ही नाइन को मैंने फैक्टराइज किया नाइन को मैं कैसे लिख सकता हूं थ्री मल्टीप्लाई लिख सकता हूँ ना थ्री लोअर पार्ट में भी है तो अपर एंड लोअर पार्ट में कट हो गया नाउ थ्री कट हो गया रिमूव हो गया देन रिमेनिंग क्या रह गया वन अपर पार्ट में न्यूमिरेटर में एंड थ्री कट हो गया देन रिमेनिंग कौन रहा थ्री तो इस थ्री बाय नाइन की लोएस्ट टर्म कौन सी है वन बाय थ्री अब आप देखो तीनों लाइन में जो फ्रैक्शन है उसको शो करो इसमें क्या है वन बाय थ्री फर्स्ट वाली सेकेंड वाली फ्रैक्शन को अपन ने शॉर्टेस्ट करने के बाद क्या फाइंड हुआ वन बाय थ्री ओके थर्ड वाली को भी लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने पर क्या फाइंड हुआ वन बाय थ्री तो यहां फर्स्ट वाली में वन बाय थ्री है सेकेंड वाली में भी अपन को फाइंड क्या हुआ वन बाय थ्री थर्ड वाले में भी क्या फाइंड हुआ वन बाय थ्री अब आप देख सकते हो ये भी वन बाय थ्री है ये भी वन बाय थ्री है ये भी वन बाय थ्री है इट मीन तीनों क्या है इक्वल है एक जैसी दिख रही है बट पहले अपन ने जब शो करी थी वन बाय थ्री टू बाय सिक्स थ्री बाय नाइन अब उनको डिफरेंट डिफरेंट दिख रही थी ये भी डिफरेंट ये भी डिफरेंट ये भी डिफरेंट बट अभी क्या आपने सॉल्व किया शॉर्टेस्ट टर्म फाइंड की तो अपन को इक्वल फाइंड हो रही है इट मीन्स क्या हुआ वन बाय थ्री टू बाय सिक्स थ्री बाय नाइन की जो वैल्यू है वो सेम टू सेम है ओके? सेम सेम टू है। तो यहां अपन क्या लिख सकते हैं वन बाय थ्री फर्स्ट वाली सेकेंड फ्रैक्शन क्या है टू बाय सिक्स सेकेंड फ्रैक्शन थर्ड फ्रैक्शन क्या है थ्री बाय नाइन थ्री बाय नाइन यहां अपन को देखने में तो डिफरेंट डिफरेंट दिखेगी वन बाय थ्री टू बाई सिक्स थ्री बाय नाइन देखने में तो डिफरेंट डिफरेंट दिखेगी एक नजर से देखेंगे वन फ्रैक्शन से तो क्या ये 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 भी भी ये भी अलग अलग दिख रही है डिफरेंट दिख रही है ना बट इनकी वैल्यू फाइंड की इनकी वैल्यू फाइंड की इसकी वैल्यू फाइंड की तो इक्वल ही आ रही है तीनों की इक्वल आ रही है इट मीन ये भी इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है इट मीनस तीनों विथ टूगेदर इक्वल है तीनों इक्वल है वन बाय थ्री इसके इक्वल भी है वन बाय टू बाय सिक्स इसके इक्वल भी है थ्री बाय सिक्स इसके आपस में विट टूगेडर इक्वल है वन बाय थ्री टू बाय सिक्स तो एक और फ्रैक्शन फाइंड करनी है क्या ये भी इक्वल है आपको शो करनी है ये जो मैंने फोर्थ फ्रैक्शन लिखी है सिक्स बाय एटीन क्या ये भी इन तीनों के इक्वल है या नहीं वो शो करनी है कैसे सिक्स बाई एटीन है ओके okay? तो सिक्स तो सिक्स है ही अपर पार्ट में क्या एटीन में भी सिक्स है एटीन में भी सिक्स है या नहीं तो सिक्स बाई एटीन को मैं कैसे लिख सकता हूं अपर पार्ट में तो सिक्स है ही मेरा और एटीन को मैं फैक्टराइज़ या डिस्ट्रीब्यूट करके कैसे लिखू थ्री सिक्स थ्री जा कितना होता है थ्री सिक्स

इक्वली इक्वली वाली फ्रैक्शन को फाइंड कर सकते हैं सिक्स बाई एटीन भी इसकी वैल्यू भी क्या है by है ये तो वन बाय थ्री है इसकी वैल्यू भी क्या है by है इसकी वैल्यू भी क्या है इट मीन इस फोर्थ फ्रैक्शन को विथ टूगेदर फ्रैक्शन कह सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अपन शो कर सकते हैं ओके okay? तो इसकी जो लास्ट लाइन है वो मैं यहां शो कर रहा हूं लास्ट लाइन अपनी क्या है जो सारा कंक्लूजन शो करेगी वो लास्ट लाइन क्या है यू कैन इजीली राइट इन आफ्टर दिस पार्ट ओके फर्स्ट यू राइट ऑल दिस लाइन फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन फर्स्ट फ्रैक्शन सेकंड थर्ड फ्रैक्शन इट्स लोएस्ट टर्म एंड देन इक्विलेंट ऑल द फ्रैक्शन एंड देन जो लास्ट वाली लाइन है वो क्या लिखनी है यू कैन सी इजिली देर शाइट दैट इज इंपोर्टेंट Line fractions which have the shame value even throw. They may look different. Even though they may look different, they are.

ओके okay? तो ये जो लाइन है इंपोर्टेंट लाइन साइड यू कैन इजीली राइट दिस ओके एंड नाउ सी दिस आल्सो इन ए थोटिकल पोर्शन फ्रैक्शंस विच हैव द सेम वैल्यू दो फ्रैक्शंस मींस अपने पास जितनी भी फ्रैक्शन है जिनकी जो अंतिम लास्ट वाली जो फ्रैक्शन जो अपन सॉल्व करते हैं पूरा लोएस्ट टर्म फाइंड करते हैं उन सब की वैल्यू सेम टू सेम आ रही है वे सारी फ्रैक्शन क्या है सेम वैल्यू वाली है ओके फ्रैक्शंस हैव द सेम वैल्यू इवन इवन मीन यद्यपि फिर भी फिर भी दे मे लुक वे दिख सकती हैं डिफरेंट ओके वे डिफरेंट दिख सकती हैं देखने में लुकिंग में अपन को डिफरेंट डिफरेंट लगेगी लाइक ये चारों फ्रैक्शंस क्या है देखने में है ये भी है 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 ये 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 भी 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 इसकी 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 वैल्यू जो है लास्ट वाली वैल्यू वो सेम है दे आर सेड टू बी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ओके तो वो सारी फ्रैक्शंस क्या कॉलिंग करेंगे अपन उसको इक्विलेंट फ्रैक्शन कॉलिंग करेंगे और उन सब के बीच में क्या इक्वल साइन आ जाएगा ये देखो साइन क्या इक्वल का इक्वल का साइन है दोस फ्रैक्शंस हैव सेम वैल्यू वे सारी फ्रैक्शन जिनकी वैल्यू सेम है उनको एक लाइन में लिखेंगे उनके बीच में क्या होगा इक्वल का साइन हो जाएगा ओके okay? तो वो सारी फ्रैक्शंस यहां शो हो जाएगी तो ये लाइन भी आपको लास्ट में लिखनी है यू कैन सी इजीली राइट द कांसेप्ट ऑफ इक्वैलेंट फ्रैक्शंस ओके थैंक यू